अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जैसा कि जो न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आई थी वो हमने आपके सामने रखा कि लास्ट ईयर 70,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी, और इस साल आवेदन कब से शुरू होगा सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ, क्या उम्मीद खत्म हो चुकी है? क्या इस साल 2024 में आवेदन नहीं होगा? आप लोग का जो भी कमेंट आया आज के वीडियो का, सभी बच्चों का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। तो कुछ बच्चे इस वीडियो को रात में देख रहे होंगे, कुछ बच्चे सुबह देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज का पहला कमेंट को देखते हैं। और देखिए, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से जो पहले बड़ी अपडेट आई थी वो हम आपके सामने रखते हैं कि भाई पीएनपी चाहती है कि इस साल एडमिशन हो। मतलब ऐसा ये मत सोचिएगा कि भाई पीएनपी की तरफ से ये क्लियर हो गया कि इस साल एडमिशन नहीं होगा। देखिए, शासन स्तर से अप्रूवल आना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा डीएलएड में एडमिशन का अप्रूवल नहीं आया। और एक और इम्पोर्टेंट खबर आप देख लीजिए यहाँ पर, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। बीएड की काउंसलिंग टल गई। क्यों टाल दी गई जरा देखिए। शासन ने रविवार तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को बीएड की काउंसलिंग 5 अगस्त से कराने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई, किसने अनुमति नहीं दी? शासन ने, चाहे बीएड की बात है। अब दोस्तों बात आ जाए डीएलएड की, जरा देखिए बीटीसी या डीएलएड। प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या पूर्व में बीटीसी प्रशिक्षण के 2024-25 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रवेश की सूचना जारी नहीं होने से बेरोजगार परेशान है। यही कारण है कि तमाम अभ्यर्थी एमए या परास्नातक के दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर विचार कर रहे हैं। पिछले साल डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जून से शुरू हुए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रवेश की प्रक्रिया 2 महीने पिछड़ गई है। सूत्रों की माने, ये देखिए अब ये इम्पोर्टेंट बात है, सूत्रों की माने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 2 महीने पहले ही शासन को डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में प्रवेश का प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली। तो दोस्तों दोनों जगह शासन स्तर से ही अनुमति नहीं मिल पा रही, बात यहाँ ये है। आप कमेंट को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए एक बच्चे का कमेंट आता है कि मैंने आज तक आपकी वीडियो पर कमेंट नहीं पाया, आप कमेंट कहाँ से लाते हैं? ठीक है, यूपी में डीएलएड फॉर्म आने की संभावना है कि नहीं, कब तक? ठीक है, सभी बच्चों का कमेंट का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए पहला कमेंट देखते हैं। सर, गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है? बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है 10,200 रुपये, प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है 41,000 रुपये। बिल्कुल मिलती है, आप एलिजिबल हुए तो। सर, बीएससी डिस्टेंस से किया है, बीटीसी कर सकते हैं? देखिए, डीएलएड करने के लिए सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन मांगते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप डीएलएड के पात्र हैं। इस बार डीएलएड में एडमिशन हो गया या नहीं, अभी तक दोस्तों ये बात क्लियर नहीं किया गया है। फिलहाल एडमिशन होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं कि 2024 में एडमिशन होगा, अभी तक ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। 221% एससी कैटेगरी, जी हाँ, चांस आपका बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एससी कैटेगरी है इसीलिए ये चांस बन सकता है। हाँ, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि काउंसलिंग का, लेकिन अब की बार लगता है 2024 शून्य रहेगा बीटीसी। अगली बार 2 जून से काउंसलिंग शुरू हुई थी। देखिए एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में आते हैं। 2 जून से दोस्तों पहले रजिस्ट्रेशन आपका शुरू होता है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग की जो मेरिट लिस्ट आती है उसके आधार पर बाद में काउंसलिंग होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आपकी बार लगता है ईयर शून्य रहेगा बीटीसी का। देखिए अभी तक ऐसा उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाई एक एक प्राइवेट कॉलेज में 100-100 सीटें होती है, 100 × 41,000 कर दीजिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कॉलेज वालों का, 2 साल की फीस उनकी फतेगी। सर, मेरा 240 नंबर है, डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा? बिल्कुल, चांस बहुत ज़्यादा है। सर, 233 नंबर बन रहा है जनरल से, ठीक है, डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा गोंडा से, देखते हैं क्या होता है, मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, जो बच्चे जनरल से हैं, अगर आपका EWS का सर्टिफिकेट बन सकता तो ये देख लीजिएगा। यूपी में डीएलएड का फॉर्म आने की संभावना? बिल्कुल, अभी तक तो उम्मीद है कि आनी चाहिए। ठीक है, बाकी कमेंट आपका ही देखिए, आपने ऐसा कमेंट किया है तो आपके ये कमेंट का आंसर हम इस वीडियो में कर रहे हैं। सर जी, बीटीसी में सीधे प्रवेश के बारे में बताइए। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बस डायरेक्ट एडमिशन बच्चे इसलिए कराते हैं ताकि वो काउंसलिंग के प्रोसेस से बच जाएं, बस और कुछ नहीं होता। एज लिमिट क्या होती है डीएलएड के लिए? मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल, कुछ जगह छूट मिलकर 40 साल तक। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं आपकी वीडियो देखती क्यों हूँ, जब मुझे पता है कि आप कुछ बताओगे ही नहीं। देखिए, जो भी न्यूज़पेपर की लेटेस्ट अपडेट आती है, सभी बच्चों से हम एक बात बताते हैं, जो भी दोस्त इस समय लेटेस्ट अपडेट आती है वो अपडेट हम आपके सामने सबसे पहले लाते हैं। ठीक है ना, अभी अगर आप सब्र नहीं करेंगे ना तो दिक्कत है। एक और दोस्त अपडेट आती है यहाँ पर, जरा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में जो भी बच्चे सम्मिलित थे, देखिए
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23-24-25 तथा 30-31 अगस्त 2024 को दो पालियों में आयोजित कराई जानी है। ठीक है, भर्ती परीक्षाओं को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कटिबद्ध है। तो ये सब दोस्तों बातें रखी गई हैं। एक और बात जरा ध्यान रखिए, नई शिक्षक भर्ती को लेकर चलाया गया अभियान, वैकेंसी की बात कितनी हो रही है, इतने पद खाली, 85,000 से ज़्यादा पद खाली है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों, 85,000 इतनी वैकेंसी आज नहीं तो कल आपके सामने आएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो इस साल 2024 में लड़कियां डीएलएड करने की सोच रही हैं, जरा उनको ये ध्यान दीजिए। तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक, 1 से 5वीं व 6 से 8वीं में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी हो रही है, ये बड़ी खबर है। तो जो लड़कियां हैं, ठीक है, आपको बता दें बिहार में 50% का आरक्षण मिल जाता है, अगर देखिए 100 सीटें टोटल वैकेंसी की तो 50 महिलाओं के लिए 50 पुरुषों के लिए, लेकिन अगर कोई महिला पुरुष की सीट पर, ठीक है, क्वालिफाई होती है तो वो पुरुष की सीट और ले सकती है। मतलब कुल मिला के लड़कियों को जबरदस्त फायदा मिलता है वैकेंसी में, ठीक है। 1 करोड़ खाली पदों पर तत्काल भर्ती हो, युवा मंच ऐसा कह रहा है। पीएम मोदी को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर रोजगार के सवाल को हल करने की मांग रखी जा रही है। चलिए अब आप लोग के कमेंट पर हम लोग वापस आते हैं, ठीक है। सर आप रोज बस लाइक और व्यूज पाने के लिए वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि फॉर्म कब तक आएगा। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि भाई पीएमपी का काम होता है एक प्रस्ताव बनाना, शासन स्तर तक पहुंचाना, जो कि पहुंचाया जा चुका है। अब जब तक उधर से अनुमति नहीं मिलती तब तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सर इस बार नहीं आएगा यूपी डीलेट का फॉर्म, काफी समय हो गया, लगता नहीं है फॉर्म आएगा, देखते हैं क्या होता है, वेट करिए, सब्र ही कर सकते हैं। देखिए इस साल नहीं आएगा तो 2025 में जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड का कोर्स कंप्लीट किया उसके बाद अब डीएलएड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे भी हैं, सोचो उनके पास कितना सब्र रहा होगा। सर इनवैलिड रजिस्ट्रेशन अभी वेट करना है आपको, एडमिट कार्ड बीटीसी का आ चुका है, कॉलेज से संपर्क करिए। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त से डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड आ गया। सर यूपी में डीएलएड प्राइवेट कॉलेज से कितना रुपये लगेगा, हम बिहार में 41,000 फीस है, देखिए उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसों की डिमांड होती है, लेकिन एडमिशन से पहले कॉलेज में संपर्क जरूर करिएगा। फेक वीडियो, ठीक है, आपको भैया झूठा लगता है, कोई बात नहीं। सर काउंसलिंग फीस कॉलेज ना मिलने पर रिटर्न होता है क्या, बिल्कुल नहीं, पैसा कोई आपको रिफंड नहीं होता है, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। और इस बार काउंसलिंग को लेकर देखते हैं क्या नोटिस आती है, ये ध्यान दीजिए, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली होता है जो बच्चे सिर्फ डाइट लेना चाहते हैं, बाकी अगर आप प्राइवेट चाहें तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। फॉर्म कब तक आएगा, वेट कर लें। सर मेरी फ्रेंड के ग्रेजुएशन में लास्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक लग गया है, क्या उसका एडमिशन, देखिए बैक नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए, अगर आपकी बैक लगी तो सिंपल सी बात है, अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कब तक आएगा बीटीसी का फॉर्म, वेट करना है। सर अभी यूपी डीएलएड का फॉर्म नहीं आया है पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है, क्या ये फेक एडमिशन है, एलिजिबल होगा एडमिशन इन कॉलेज में। देखिए एक बात आपको बता दें, कॉलेज वाले एडवांस में एडमिशन इसलिए लेते हैं, ठीक है, हर कॉलेज के पास 100 सीटें होती हैं, प्राइवेट कॉलेज में 100 या 50 सीटें, दो तरह के आपको कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। तो अगर 100 में से एडवांस में 20 बच्चे जाकर वहाँ पैसे जमा कर देते तो वो कॉलेज वाले क्या करते हैं, आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो खुद से भरेंगे और काउंसलिंग के टाइम अपने ही कॉलेज का नाम डालेंगे, ठीक है, इसलिए वो एडवांस में आपसे पैसे ले लेते हैं। लेकिन हम आपको एक सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, फिलहाल अभी आप लोग पैसे मत दीजिए, जब फॉर्म आएगा उसके बाद दे सकते हैं। सर मेरा 235 बन रहा है ओबीसी से, तो क्या डायरेक्ट कॉलेज, जी हाँ चांस बन सकता है। मेरा बीटीसी 2018 में हुआ था जो कि मैथ में बैक लग गया था, 3 बार अनुत्तीर्ण हुए, तो क्या बैक पेपर देने का मौका मिलेगा कि नहीं। मैंने पीएनपीएल लखनऊ निदेशक यहाँ एप्लीकेशन दिया 2022 और 23 में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। देखिए आप लोग कॉलेज से संपर्क में रहिए, तो जब तक देखिए हुआ क्या है ना, बहुत से बच्चे प्रत्यावेदन वाले हैं, उसको लेकर भी अभी तक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है, तो फिलहाल कॉलेज से संपर्क में रहिएगा। सर ओवरऑल 239 नंबर बन रहा है, जी हाँ चांस आपका रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज का। सर कब तक आएगा फॉर्म, वेट करना है, मेरे 243 नंबर बनने, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, जानकारी रिपीट हो रही है। नमस्कार दोस्तों, सुनकर कान पक गए, क्या बात है, एक बार और नमस्कार दोस्तों हो गया, ठीक है। सर प्लीज़ बताइए कब डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म आएगा, जी हाँ देखिए बता रहे हैं ना, पीएनपी की तरफ से प्रस्ताव जा चुका है काफ़ी दिन पहले, वेट करना है, अगर फॉर्म नहीं आया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, अगर फॉर्म नहीं आया तो क्या करें, ठीक है।
तो आप लोग अपनी कोई ना कोई तैयारी करिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे उस पर फोकस कर सकते हैं। जिसकी बैक लगी है उसका एडमिशन हो जाएगा। देखिए एडमिशन लेने से पहले आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। 190 नंबर है कॉलेज, जी हाँ प्राइवेट मिल सकता है। सर प्लीज़ बता दीजिए, 10 बार से ज़्यादा पूछ चुकी हूँ। सर मेरा OBC कैटेगरी में 233 नंबर बनना है। जी हाँ 100% चांस नहीं रहेगा लेकिन चांस रहेगा। सर सीटेट ठीक है साल का होता है। देखिए सीटेट का फॉर्म साल भर में 2 बार आता है। अगर आपने एक बार सीटेट की परीक्षा पास कर ली तो ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई कर पाएंगे सीटेट के बेस पर। सर 225 नंबर SC कैटेगरी, जी हाँ चांस रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है तो वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करते हुए देखिए हमने बता दिया BEd में भी मामला 17 है, DEL में तो अभी तक फॉर्म ही नहीं है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, बाकी डायरेक्ट एडमिशन का बता दिया है। आवेदन में सुधार नहीं होता, फॉर्म भरते समय गलती नहीं करना है। अदर स्टेट को मौका मिलेगा कि नहीं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन में मिनिमम 50, RHE वर्ग में 45, इतना ग्रेजुएशन में नंबर परसेंटेज होना जरूरी है। DEL करके 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे। BEd करके 6 से 8, 9 से 10 में जाएंगे, लेकिन 9 से 10 TGT वाली वैकेंसी रहेगी। बाकी कट ऑफ को लेकर हमने क्लियर आपको बता रखा है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स में, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन रिजल्ट सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र निवास ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।